शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुम्हें उस चाबी का नक्शा याद है ना? हाँ, मुझे याद है। इस पबंडर से निकलते ही 7 द्वार हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए मैं इस पबंडर की दिशा बदलने का प्रयास करूंगी और जैसे ही अवसर मिलेगा 7 द्वार के चक्रव्यूह के पास जाकर हमें उसे तोड़ना होगा। हमारे अधिराज और सुरैना की रक्षा कर। रक्षा कर। सुनैना, चाहे कुछ भी हो जाए, ये चुड़ैले जागनी नहीं चाहिए, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। चलो। सुनैना, एक एक करके सभी द्वार के सामने जाकर हमें देखना होगा कि सही रास्ता कौन सा है। चलो। नहीं सर्पिका, हम ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि ये सारे द्वार एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे जरूर कोई रहस्य होगा, कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। इन 7 द्वारों में 6 मौत के द्वार हैं। अगर तुम लोगों ने गलत द्वार चुना तो तुम दोनों भी वैसे ही मारे जाओगे जैसे बाकी सब मारे गए हैं। समझ में नहीं आ रहा, हर जगह इतनी चुनौतियां क्यों हैं?
सुनैना को अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इस पड़ाव को पार करना होगा। ये क्या हो गया? सुनैना, हमें जल्दी करना होगा। ये बवंडर तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। हमारे पास समय नहीं है सुनैना। मुझे धनराज को बचाने के लिए जल्दी से कोई उपाय के बारे में सोचना होगा। हमें तुम पर पूरा विश्वास है सुनैना, कि तुम हमारी जान बचा लोगी। अधिराज, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस द्वार का उपयोग करूं। तुम्हें अपना ध्यान केंद्रित करना होगा सुनैना, और याद रहे तुम्हें जो करना है जल्द ही करना है, अन्यथा काली शक्ति का साय निर्दोष प्रजा को अपने वश में करके उन्हें नकारात्मक बना देगा। एक बात याद रहे, बुराई की कोई परछाई नहीं होती, किंतु बुराई बुरी छाप छोड़कर जाती है। तो हमें जल्द से जल्द बुराई को समाप्त करना होगा। हमें पूरा विश्वास है कि तुम विजयी होकर लौटोगी। सिद्ध पुरुष जी राजा साहब के उत्तम स्वास्थ्य के लिए महायज्ञ कर रहे हैं, इसलिए हम आए हैं उनकी जगह। हमारे मंत्रों का भी राजा साहब के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जिसका डर था वही हुआ। ये काले साये राजा साहब को मारने आ ही गए। नहीं, नहीं। आप राजा साहब का ध्यान रखिए। हम जाकर एक जादुई घेरे का निर्माण करते हैं ताकि ये महल के अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो अधिराज के साथ साथ हमारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। इस बवंडर को ज्यादा समय तक मैं नहीं रोक सकती सुनैना, जल्दी करो। पेड़ पर लटकी हुई चुड़ैलों की सारी परछाइयां छह द्वारों पर दिखाई दे रही है, पर इस द्वार पर परछाई नहीं दिखाई दे रही। कहीं यही वो द्वार तो नहीं? लगता है मुझे वो द्वार मिल गया। सर्पिका, यही है वो द्वार। तुम्हें पूरा विश्वास है? हाँ, मेरा मन कह रहा है। और वैसे भी हमारे पास अधिक समय नहीं है और ना ही कोई दूसरा रास्ता, इसलिए मन की बात सुनने में ही भलाई है। चलो जल्दी। हाँ चलो। सुनो काली शक्तियों, ये तुम्हारा लाल घाट नहीं है, ये हमारी दुनिया है, हमारा साम्राज्य है चंद्रलेखा का।
हम तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। कवच के बाद ये काले साए राजा साहब को क्षति भी नहीं पहुंचा पाएंगे। ये सुरक्षा चक्र भी इन काले सायों को अधिक समय तक नहीं रोक पाएंगे। सुनैना जल्द से वो मणि लेकर आ जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने पहले भी इस कक्ष को देखा है। चाबी तो मुझे मिल गई, अब मैं जल्दी से मणि प्राप्त करूंगी और सबसे पहले इस सुनैना को खत्म करूंगी। सर्पिका, हमें जल्दी से महल के उस खंडर में जाना होगा, चलो जल्दी। कहीं ये काले साए सुरक्षा चक्र को तोड़कर अंदर ना जाए। रानी साहब को अब आ जाना चाहिए जल्दी। अब राजा साहब के पास अधिक समय नहीं है, प्रार्थना कीजिए कि रानी साहब सही समय पर मणि लेकर आ जाए। इसका अर्थ है ये द्वार हमें महल में ले आया है और हमें चाबी भी यहीं मिली। ये क्या रहस्य है? चलो अच्छा ही हुआ, अब मणि प्राप्त करने में हमें अधिक समय नहीं लगेगा, क्योंकि मणि इसी महल के पीछे तहखाने में ही है। सुनैना, तुम यही रुको, हम मणि लेकर आते हैं। नहीं, हम वहां साथ में जाएंगे और उस मणि को भी साथ में लेकर आएंगे। ठीक है, पर तुम्हें शर्त याद है ना? हाँ, मुझे याद है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगी। सुना ना, अच्छा हो तुम हमें यहीं पर मिल गई। तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर देनी है। रानी माँ, अधिराज कैसे है? अधिराज बिल्कुल ठीक है, उसे होश आ गया है और यही बात बताने हम भागते हुए तुम्हारे पास आ रहे थे। सर्पिका, मैं अधिराज के पास जा रही हूँ, अब हमें उस मणि की कोई जरूरत नहीं है। सुने ना, ऐसे कैसे मणि की जरूरत नहीं है, हमें मणि की आवश्यकता है। सुने ना, तुम नहीं जानती, वो काली शक्तियों के काले साए वो अपना प्रतिशोध लेने आ सकते हैं। वो अधिराज को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तुम मणि लेने जाओ, मैं रानी माँ के साथ अधिराज के पास जा रही हूँ। चलो। मुझे वो मणि हर हाल में चाहिए, ताकि मैं चंद्रलेखा और सुनैना का खात्मा कर सकूं, और अब वो मणि मेरी होगी और फिर एक एक करके मैं अपने दुश्मनों का खात्मा करके अपने प्यार, अपने अधिराज को अपने साथ ले जाऊंगी।
अधिराज, सुनैना, तुम सच में इस युग की सावित्री हो। तुमने एक बार फिर अपने पति को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं सुनैना, तुम हमारी जान हो। और देखना, अब हम कभी भी अलग नहीं होंगे। सुनैना, हम सबको तुम पर बहुत गर्व है बेटा। पर अधिराज, मनी की शक्ति के बिना आप ठीक कैसे हो गए? सुनैना, शायद ये तुम्हारे भक्ति की शक्ति का असर है या फिर सच्चे प्रेम की ताकत। देखो, आज हम बिल्कुल ठीक हैं, अब हमेशा एक साथ रहेंगे। ये साथ छूटने वाला है अधिराज, अब इस घर पे कहाँ आएगी और हमेशा के लिए मेरे अधिराज को मुझसे दूर ले जाएगी। ये ना तेरा अधिराज है और ना ही तेरा राजमहल, ये राजमहल है हमारा मायाजाल। सुनैना, तुमने हमें जीवन दान दिया है, हम तुम्हें भरे दरबार के सामने, सारी प्रजा के सामने सम्मानित करना चाहते हैं। अधिराज, मैंने तो बस अपना पत्नी धर्म निभाया है, इसके लिए मुझे भरे दरबार में सम्मानित करने की क्या जरूरत है? जरूरत कैसे नहीं है सुनैना, आज तुमने सिर्फ अपने पति को नहीं, इस राज्य के राजा को बचाया है, और इससे अधिक गौरव की क्या बात हो सकती है? इसलिए पूरी प्रजा के सामने तुम्हें सम्मान मिलना ही चाहिए। हाँ सुनैना, ये तो तुम्हारा अधिकार है। तुमने राजा साहब को बचाने के लिए इतना परिश्रम किया और आज तुम्हारी ही वजह से अधिराज बिल्कुल ठीक है, तुम्हें ये सम्मान मिलना ही चाहिए। ये सब देखकर तुम्हारी चिंता बढ़ती जा रही है। धैर्य रखिए महारानी साहेब, देखिए ये काले साए अभी तक सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं पाए हैं।
सुरक्षा कवच होने के बावजूद ये काला साया हमारे अधिराज को क्षति कैसे पहुंचा रहा है? ये काले साये का विषैला धुआं राजा साहब के शरीर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और उन्हें क्षति पहुंचा रहे हैं। हमारी सकारात्मक शक्तियां कुछ काम नहीं कर रही। लगता है काले धुएं के विष ने राजा साहब के शरीर को अपने वश में कर लिया है। अगर रानी साहब वो मणि लेकर जल्दी नहीं आ पाई तो ये काला साया राजा साहब को मारने में सफल हो जाएगा। क्या कोई और तरीका नहीं जिससे अधिराज को इस काले साये से बचा सके? एक रास्ता है, मगर उसके लिए मुझे इस सुरक्षा कवच को हटाना होगा और वो और भी खतरनाक हो सकता है।